तो वी आर डिस्कसिंग दैट हाँ द टू पाई बॉन्ड ना, जो भी दो पाई बॉन्ड होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और ऑब्वियसली बात है स्पेयर बटाइज होगा तो लीनियर शेप होगा, इट विल बी लाइक दिस। तो अपन ये 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है इसमें। अब अपन क्या कहेंगे भाई, इसमें तो 2D स्ट्रक्चर तो बना कम से कम, तो अपन कहेंगे इसमें तो मॉलिकुलर मतलब फॉर्मूला होगा और इसमें कम से कम टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन इसमें तो सिर्फ मॉलिकुलर एक्सेस होगा, क्योंकि एक एटम उससे दूसरा एटम अटैच है, फिर थर्ड एटम और फिर एटम, तो इसमें कोई मॉलिकुलर प्लेन तो होगा ही नहीं। तो इसमें तो मैं बोल सकता हूँ ये मॉलिकुलर प्लेन है, इन चारों से ऐसे बनाओगे तो ऐसे एक प्लेन बनेगा और उससे परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड होगा। लेकिन इसमें इसमें अपन कहेंगे कोई मॉलिकुलर प्लेन तो है ही नहीं, पाई बॉन्ड ही है इसमें। तो अपन क्या करेंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड वाले जो एटम्स होंगे ना अटैच, इन एटम को अपन क्या बोलेंगे, मॉलिकुलर एक्सेस, मतलब कि एक्सेस बना देंगे अपन ऐसे, बिल्कुल लीनियर दिख रहा होगा वो अपन को। वहां कोई प्लेन नहीं है ना, ना तो टू डायमेंशनल प्लेन बन रहा है ना 3D प्लेन, ये तो 3D स्ट्रक्चर है राइट। तो मैंने बॉन्ड्स के पोजीशन बताया आपको, चलो उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब क्या होगा ना, देख अगर वो क्या बोल रहा था ए पॉइंट में कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप ना एक ऐसे रॉड ले लो, इसमें दो सर्कुलर डिस्क लगा लो। अब आप क्या करो, एक को पकड़ के दूसरे को रोटेट कर सकते हैं अपन? हाँ कर सकते हैं, एक ऐसे एक इसमें और एक एक्सेल में ऐसे ना दो ऐसे सर्कुलर कुछ भी लगा लो, एक आप इसको पकड़ लो दूसरे को रोटेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप सर्कुलर डिस्क में आप दो रॉड लगा दो तो ऐसे अब आप नहीं कर सकते, इसको पकड़ के और इसको रोटेट कर लो तो टूट जाएगा वो, तो ऐसे ट्विस्ट होगा, क्योंकि अब तो आप रोटेट नहीं कर सकते, मतलब डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड में तो दो एटम आपस में दो बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, तो उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसी को अपन कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और भी नहीं होगा, डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड में कैसे हो जाएगा, तो इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो था फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अबाउट द सिग्मा बॉन्ड इज नॉट अलाउड, बट इज सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड बट नॉट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड। बिल्कुल करेक्ट, पहले वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द डायरेक्शन बिटवीन द एटम्स बट अ पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट ऑन दिस इन दिस रिगार्ड। कोई सिग्मा बॉन्ड तो पहले ही अपन को बता देगा कि एटम कैसे अटैच होने वाला है, पाई बॉन्ड तो डायरेक्शन की बात नहीं करता, क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड बनते हैं बाद में पाई बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड हमेशा पहले बनते हैं, तो वही डिसाइड कर देंगे ना मॉलिक्यूल। अपन ने क्या किया था कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन तो अदर एटम के आने के पहले ही हो जाता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन तो पहले ही डिसाइड हो जाते हैं। अपन कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, तो वो सिग्मा बॉन्ड ने डिसाइड कर दिया ना टेट्राहेड्रल शेप है, अदर एटम तो बाद में, अदर एटम आएगा तो उसके साथ अपन पाई बॉन्ड बनाएंगे। रोटेशन में एक ही एटम को फिक्स करना होता है, दोनों एटम को फिक्स नहीं करना होता। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, इट्स करेक्ट। द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन द ऑर्डर ऑफ, सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी, भाई सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा होना चाहिए, इट इज स्ट्रॉन्गर ना, आप बोल तो रहे हो सी और डी में, अगर सी करेक्ट है तो डी कैसे करेक्ट करेक्ट हो सकता है, वो तो गलत है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो उसको बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। राइट चलो दूसरा देखते हैं, नाइन्थ वाला क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बाइड अभी लिखा तो था मैंने, ये लो कैल्शियम कार्बाइड हो गया, ये तो मैंने शायद अभी बताया था कैल्शियम कार्बाइड आपको। कैल्शियम कार्बाइड में इस पे माइनस और कितना, एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड है ना तो एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होंगे। राइट तो इसको ये
क्या था अपने पास, ऑप्शन ए को समझा नहीं। किसमें कुड यू मेक अ स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन, बनाए तो है, ये लो कैल्शियम कार्बाइड C2, कैल्शियम पे प्लस टू चार्ज, इस पे माइनस टू चार्ज, तो C2 है माइनस टू चार्ज। कार्बन के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन से ज्यादा बॉन्ड होते नहीं है किसी दो एटम के बीच में, तो ये लो हो गया, एक नेगेटिव चार्ज इसके पास और एक नेगेटिव चार्ज इसके पास, एक सिग्मा 2 पाई हो गया। और ए ऑप्शन में मैंने आपसे कहा कि दो एटम को, अगर दो सर्कुलर डिस्क हो ऐसे है आपके पास, इसमें एक होल करके एक बॉन्ड बना दो, इसमें एक होल करके एक बॉन्ड बना दो, तो आप किसी एक को पकड़ के दूसरे को रोटेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक ही आपके पास दो सर्कुलर डिस्क है, इसमें होल कर लो, यहां एक रॉड लगा दो, तो इसको पकड़ के आप इसको इजीली रोटेट कर सकते हो, तो रोटेशन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। 10th वाला, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन डाइसाइनाइड, तो ठीक है ना, बताया तो था डाइसाइनाइड का मतलब ऐसे है, तो इधर सी, इससे ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है, इससे ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है। लो भाई हो गया, अब बताओ क्या करना है इसमें, मैं काउंट करके तो नहीं बताने वाला डाइसाइनाइड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड, क्योंकि सबको आना चाहिए उसमें। अब बताओ कोई डाउट है तो, सी ए कौन सा होगा, मतलब सेंट्रल एटम, जरूरत क्या है, साइनाइड है ना, सी हो गया ना, इट्स अ साइनोजन गैस, जैसे Cl2 होता है वैसे गैस है, तो सेंट्रल एटम कैसे बताएंगे, इसमें सेंट्रल एटम ने दो हो जाएंगे, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो कार्बन नॉन मेटल्स है ना, तो नॉन मेटल्स में ज्यादा मतलब अपन वैसे नहीं कर सकते, ये Cl2 जैसे एग्जिस्ट करता है, साइनोजन गैस बोलते हैं अपने से, जैसे ये क्लोरीन गैस है, ये साइनोजन गैस है। चलो बताओ, केमिकल बॉन्डिंग 2, अच्छा वो शुरू करना है, केमिकल बॉन्डिंग 2, ठीक है रुको अभी, अपन पहले एक बात करते हैं ऐसे, देखो भाई केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत सारा है, समझने के लिए कुछ नहीं। मैंने तुमसे एक बार और कहा था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं मेरा माइंड बहुत लॉजिकल चलता है लेकिन मैं याद नहीं कर पाता, तो फिर वो बच्चे अपने आप ही मतलब 50% मतलब रेस से बाहर होना शुरू हो जाता है, उनका दिमाग बहुत लॉजिकल होता है, वो बहुत बढ़िया बच्चे होते हैं और उनको याद नहीं होता, लेकिन लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका दिमाग बहुत चलता है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका दिमाग भी बहुत अच्छा है, उनको याद भी होता है, इसलिए आप कुछ भी करो, सुबह उठे हो, रात में पढ़ो, जो भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन आपको याद करना होगा, आप लिख के पढ़ो। कई बार ऐसे भी होता है कि अपन को लगता है कि यार मतलब मेरा मतलब कुछ पार्ट ऐसे वीक रह गया या कुछ पार्ट अपन को समझ में नहीं आया, तो नो डाउट, मतलब अब ऐसे थोड़ी होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मतलब ऐसा हो गया कि बिल्कुल सबने पढ़ा दिया, मतलब हो गया अपना, और हमें कुछ ऐसे बोल तथास्तु हो गया, भगवान थोड़ी है कोई, हो सकता है नहीं आया समझ में। तो कई बार अपन को ना ये पार्ट याद रखना चाहिए कि मैंने सब मेहनत की, आपने पढ़ाया मुझे, ना उस वाले पार्ट में डाउट है। जैसे कुछ कुछ बच्चे हैं वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलते हैं, सर ये वाले पार्ट में ना आपने जो मुझे पढ़ाया था ना, वो बोलते हैं कुछ कुछ, तो मैं कभी कभी उसको रिवाइज कर देता हूँ कि नहीं यार जेन्युइन है बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आया होगा। अब ऐसे नहीं होगा कि सर वो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ाया था मुझे समझ में नहीं आया पीरियोडिक टेबल, तो इसका मतलब तू एब्सेंट था, तू कहीं गायब था भाई, तो ये बोलेगा सर ना मैं ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, जरा बताओ ना होता क्या है, वो ठीक है राइट। लेकिन एकदम आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है और आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल आपको हेल्प करूंगा। अब वो मुश्किल से आज वो इतना बड़ा 169 पेजेस का वो था, मतलब अपना केमिकल बॉन्डिंग वाला, मैंने आज भेजा उसको, एक बार पढ़ो, उसमें काफी बहुत ज्यादा इलेबरेट होता है,
और ऑफलाइन मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ से तो शुरू हो जाना चाहिए अपना, नहीं तो 15 दिवाली के बाद तो हो ही जाएगा। तो अपन क्या करेंगे ना, उसमें भी अपन काफी सारा पार्ट रिवाइज कर लेंगे। चलो तब तक अपना सिलेबस भी काफी हो जाएगा, और थ्योरी वाला पार्ट बस यही होगा, बाकी नहीं होगा। चलो अपन पेपर के बारे में सोचते हैं। एग्जाम की वजह से रेजो का बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, और कल एग्जाम है सर, ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, बट हो नहीं पा रहा है। हाँ ये बात भी, मतलब देखो प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन अभी अपन को क्या करना पड़ेगा कि एग्जाम के साथ साथ वो अपन को कोप अप करना पड़ेगा। सारे बच्चे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो थोड़ा सा सोना कम कर देते हैं, 6.5 आवर्स होते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, थोड़ा टीवी शीवी बंद करवा दो, चाहो तो मतलब पेरेंट्स को बोल दो आप टीवी मत देखो, लेकिन आप पढ़ो। और कोई प्रॉब्लम होता है तो आपस में अपना ग्रुप है, मैं तो आपका ग्रुप बड़ा जबरदस्त है, उसमें बढ़िया मतलब डिस्कशन होता है, आपस में डिस्कस कर लो। नहीं होता है तो फिर मुझसे डिस्कस कर लो, कभी कभी मुझसे मुझे फोन कर लो, बट फोन मेरा मतलब आप 7 o'clock के बाद ही, 7 से 8 मुझे फोन कर सकते हो आप इवनिंग में, अगर क्लास है तो बाद में, फिर 9:30 के बाद आप फोन करके, कोई प्रॉब्लम नहीं कि सर इसका प्रॉब्लम जा रहा है, बताइए कैसे पढ़ाएंगे। मैंने आपसे वो बोला था खरीदने के लिए गाइड नवनीत वाला, वो ले लेना, बड़ा इजी है उसमें, मतलब अपन को उससे फायदा होगा, बेसिक्स में फायदा होगा बहुत। अगर कोई बच्चा को लगता है कि यार बहुत टफ जाता है मुझे, तो फिर वो उसे ले ही लेना चाहिए, और फिर आप मुझे पर्सनली फोन करके बोल सकते हो। अगर नहीं उठाया तो आप मैसेज डाल सकते हो, सर मैं मतलब बात करूंगा आपसे, आप बताओ टाइम बता दो। कुछ कुछ बच्चे करते हैं तुम्हारे क्लास में, सर ऐसी ऐसी बात है मैं आपसे ना नहीं पूछ पाता हूँ क्लास में, आप मुझे अलग से मतलब बता दो बस, कोई बात नहीं चलता है ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो वेट भी करते हैं कि ठीक है सर आंसर जरूर देंगे। पहले अपन पेपर सॉल्विंग की बात करते हैं, मैं तुम्हें एक आध पेपर भी भेज दूंगा, मतलब ये अपन एक आध पेपर ना अभी मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस टाइप का हो जाएगा अपना, कि अच्छा किस टाइप से पेपर एडवांस का, थोड़ा एक आइडिया तो है ही आपको, लेकिन थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा अपन को क्वेश्चन किस टाइप से। चलो अपन देखते हैं, देख पेपर में ना जो नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एक तो होता है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, फिर दूसरा हो सकता है वन ऑप्शन करेक्ट, फिर थर्ड होता है कॉम्प्रेंशन, मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है, और ये होता है फिर अपने पास दैट इज इंटीजर टाइप, डबल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, और डेसिमल में भी होता है कभी कभी। ठीक है ना, देखते हैं फिर, और अगर फिर भी अगर किसी को डाउट होगा तो वो मुझे फोन करके बता देगा, मैं बता दूंगा उसे क्या करना है, कोई प्रॉब्लम। अब अपन क्या करेंगे ना, देख वैसे तो फाइनल एग्जाम में अपन को काफी जरूरत पड़ती है उसकी, कि आप एक स्ट्रेटेजी बताओ कैसे सॉल्व करें, लेकिन इसमें मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि अगर इनमें से कोई भी पार्ट है, क्योंकि कोई ऐसे नहीं है कि सारे एक साथ आएंगे, मान लेते हैं अपने पास कि सिर्फ ये दोनों है, ऐसे इनमें से कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसा बहुत कम होता है कि सिर्फ ये ही पेपर में है, फंस गया, मोर देन वन ऑप्शन वाला पूरा ही क्वेश्चन मोर देन वन ऑप्शन वाला है, तो फिर फंस गए। लेकिन उसमें एक बात होता है, अगर सारे क्वेश्चन मोर देन वन ऑप्शन वाले हैं ना, तो पार्शियल मार्किंग देते हैं वो अपन को। पार्शियल मार्किंग कैसे, ए बी सी डी मान लो 4 ऑप्शन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इसका आंसर मान लो अपन, इसका आंसर अपन को गिवन है, आंसर इज बी एंड सी, अगर आपने बी और सी टिक किया ना यू गॉट 4 मार्क्स, अगर आपने सिर्फ बी में टिक किया यू गॉट 1 मार्क्स, लेकिन अगर आपने बी और डी में मार्क किया यू गॉट -1 मार्क। मतलब क्या हुआ, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, सिर्फ अपने लिए टफ नहीं, दिमाग में पहले आ जाना चाहिए यार अगर पेपर टफ है तो पेपर सबके लिए टफ है, सिर्फ अपने लिए टफ नहीं, दिमाग में उनको तुरंत आना चाहिए कि पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, और पेपर को सीरियसली लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो अजीब अजीब टाइप के बैचेस भी बनेंगे, मेरिट बैच, ये बैच, वो बैच, इस टाइप का काम भी होता है वो,
जो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है अपन उसको और मेहनत करवाएंगे, जो बच्चा कम मेहनत कर रहा है उसे एवरेज पे लेके आते हैं, उसको जो एवरेज पे आ गया उसको और ऊपर लेके जाते हैं इस टाइप से, और जो बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ मैं तो सारा कर चुका हूँ बताओ क्या करना है, तो फिर उसको उसके हिसाब से अपन उसको कोरोना का डोज देंगे, ऐसे करें। तो आप पेपर जरूर मतलब सीरियसली देना। अपन क्या करेंगे, ये आपको समझ में आ गया कि मोर देन वन ऑप्शन करें कैसे बिल्कुल सॉल्व करना, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है अगर सारे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए मैं जब भी क्वेश्चन पेपर को कहूंगा ना आपको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले सॉल्व करो इसको, ऑर्डर ही अपना सॉल्व करने का। अगर ये सॉल्व हो गया तो अपन सॉल्व करेंगे इसको, फिर उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे इसको, फिर अपन सॉल्व करेंगे इसको। अगर आप चाहो तो इससे पहले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लो, फिर आप इसको सॉल्व करो। मतलब देखो अगर इन सब का कॉम्बिनेशन है तो मैं इसको लास्ट में सॉल्व करूंगा। इतना रिस्क कौन लेगा कि भाई अगर मान लो मेरी मतलब मुझे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ और मुझे मतलब धोखे से भी अगर मैंने डी को टिक कर दिया, मेरे पूरा माइनस वन हो गया, जहां मेरा प्लस वन कम से कम प्लस वन तो आ रहा था, और प्लस वन की जगह माइनस वन होने का मतलब मैंने दो मार्क्स लूज किए, जो एक आ रहा था वो भी लूज कर दिया और एक माइनस वन और कर लिया। बच्चा कभी कभी रिस्क लेता है, वो कहता है अच्छा ठीक है ना माइनस वन ही तो होगा, माइनस वन नहीं कर रहा माइनस फाइव कर रहा है। भाई अगर करेक्ट होता तो उसे प्लस फोर मिलते, अगर माइनस वन जैसे इतना हो गया उसे बिल्कुल श्योर था कि बी आना है, बी तो है ही बाकी मुझे श्योर नहीं है तो बी टिक करके छोड़ दो, क्योंकि अगर उसने रिस्क लिया तो वो जो उसे प्लस वन मिल रहा था ना प्लस वन भी गया और माइनस वन और हो गया, तो रिस्क कभी नहीं लेना। और नेगेटिव मार्किंग जहां है वहां कुछ करना नहीं, और जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां तुक्का लगाने से छोड़ना नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कई बार स्टूडेंट के ना 30-30 मार्क्स देखे हुए इंटीजर में तुक्का लगाने से, 30 मार्क्स के तुक्का लगा के आया इंटीजर में, नंबर लिखा 0 to 9 तक को एक नंबर डाल के आ गया 30 मार्क्स एक पेपर में। तो इस बात का ध्यान रखना कि जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां तुक्का जरूर लगेगा। आप ये नहीं कि बड़ा मैं तो बड़ा शरीफ हूं और मैं तो बिल्कुल गलत नहीं करता, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब मुझे नहीं आता तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बेवकूफ क्यों नहीं सॉल्व करूंगा यार, बिल्कुल करूंगा मैं तो, तुक्का लगा जहां टाइम मिलेगा वहीं वहीं लगा दूंगा तुक्का, तो क्या उसमें क्या है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लगाएंगे। राइट, अगर मान लो इसमें आंसर ऐसे था, अपने पास एक और आंसर आ रहा है, मान लो अपने पास आंसर ऐसे था ए बी सी, आपने सिर्फ ये दोनों टिक किए, यू विल गेट टू मार्क्स। अगर आपने ये भी टिक किया यू विल गेट फोर मार्क्स, लेकिन अगर आपने इसकी जगह ये टिक किया यू गॉट माइनस वन मार्क्स, इसलिए रिस्क नहीं लेना बिल्कुल, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। राइट, ये अपना ऑर्डर होगा सॉल्व करने का। अब आप थोड़ा सा मतलब ये स्ट्रेटेजी बनाओ कि कौन सा पेपर पहले सॉल्व करेंगे अपन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो अभी आपको जो भी पेपर अच्छा लगता है ना, जो भी मतलब आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है आप उसको सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आप शुरू में मैथ्स के देने मैथ्स के तीन क्वेश्चन करो, आपको लगता है टफ है चेंज कर दो, आप केमिस्ट्री के तीन चार क्वेश्चन करो आपको लगता है वो टफ है फिजिक्स कर दो, आपको लगता है वो भी टफ है फिर मैं क्या करूँ कुछ तो करना ही होगा, फिर तो कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना ही होगा, जो इजीएस्ट है उसको कर देंगे। हाँ उसमें भी अपन ऐसे करेंगे चल यार छोड़ यार पहले इंटीजर पर चलते हैं बैक साइड से शुरू करते हैं, क्यों, क्योंकि देख एक बात है ना, जैसे अभी पेपर हुआ अपन को पता अभी क्या होगा, जैसे अभी मेंस का कट ऑफ आया था कितना आया था 74 मार्क्स था जनरल का कट ऑफ आउट ऑफ 300, कोई कट ऑफ होता है और बच्चे पढ़ने वाले बहुत पढ़ते हैं बच्चे, अभी एडवांस का पेपर ना बहुत टफ था, बाकी बहुत अच्छा पेपर था,
मैंने पूछ सुना है पेपर, अच्छा था, मैंने देखा नहीं क्योंकि मुझे केमिस्ट्री का पेपर खुद देना है उसको, तो पेपर दूंगा केमिस्ट्री का पेपर, मैंने इसलिए देखा नहीं पेपर, लेकिन मुझे ये पता है कि पेपर मतलब टफ था, सबने ये बोला सर पेपर टफ था, बच्चों ने सभी ने बोला। लेकिन पेपर टफ होने के बाद भी तो स्टूडेंट के मार्क्स ही आ रहे हैं, सब बोल रहे पेपर टफ है पेपर टफ है पेपर टफ है, लेकिन इतना ये हाईएस्ट मार्क्स है इस बार एडवांस का, स्टूडेंट के मार्क्स ही आ रहे हैं और वो भी मुंबई से ही, क्या यार अपने मुंबई के है इस बार। मतलब इतना होने के बाद भी इतना, मतलब पेपर सब बोल रहे पूरा इंडिया बोल रहे पेपर बहुत टफ था, फिर भी मतलब उसके मार्क्स आ रहे हैं, बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 360 में से 356, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं ना बहुत ज्यादा। नहीं अगर एडवांस का पेपर है तो दोनों होंगे, दोनों एडवांस वाले पेपर मेंस का नहीं, पेपर वन पेपर टू दोनों एडवांस वाले होंगे, क्योंकि एडवांस में दो पेपर होते हैं ना, एक मॉर्निंग एक दूसरा वाला, मतलब दूसरा वाला भी एडवांस वाला होगा, दोनों पेपर एडवांस वाले होंगे सेम नहीं सर, एक साथ दो पेपर होता है और दूसरा वाला अलग बच्चों के लिए एक होता है। नहीं नहीं जो मेंस वाले बच्चे होंगे उनका अलग होगा, उस पे ऐसे लिखा होता है आपको ईपी क्लिक करना होता है तो मेंस वाला पेपर होगा, वो बच्चा एक ही पेपर देगा, और जो जेपी वाले बच्चे होते हैं ये एडवांस वाले बच्चे होंगे, इनका एक पेपर मॉर्निंग में होगा और एक पेपर इवनिंग में होगा, ऐसे होगा। लास्ट टाइम मेंस था ना इसलिए सभी ने ईपी का पेपर दिया, जेपी नहीं दिया, इस बार आपको जेपी टिक करना पड़ेगा, आपको जेपी को क्लिक करके देखना पड़ेगा। राइट यस सर, तो अपन कहेंगे अब इसमें मतलब अपन लिखेंगे दैट इज, तो ये पेपर आपको सॉल्व करने का तरीका होगा, मैं आपको एक एडवांस का पेपर भेज दूंगा अभी, तो जो एडवांस वाले बच्चे हैं वो एक बार एडवांस का पेपर देख लेंगे, और ऐसा कोई सिलेबस भेजूंगा जिसमें बॉन्डिंग वॉन्डिंग टाइप का कुछ हो तो अपन उसको देख लेंगे कि भाई कैसे किस टाइप से पेपर होगा। अच्छा लास्ट टाइम जो एडवांस का पेपर हुआ था उसमें पहला वाला पेपर मेंस पैटर्न का दिया था और दूसरा पेपर एडवांस पैटर्न का दिया था, ठीक है कोई बात नहीं, तो अपन मतलब इस बार देख लेंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं भाई, अब इस टाइप से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके डाउट्स हो गए तो अपन पढ़ते हैं थोड़ी देर रेजोनेंस वाले पार्ट को अपन पढ़ लेते हैं, है ना, अपन ने रेजोनेंस वाला पार्ट लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था उसको पढ़ते हैं अपन, तो चलो देखते हैं कैसे। अब इस बार वाला पेपर देख के आओगे फिर अपन एक बार डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ आपका पेपर कैसे हुआ, अपन उसको फिर एक बार एनालाइज करेंगे। रेजोनेंस वाले पार्ट को पढ़ते हैं, लास्ट टाइम आपने बताया था कि जब किसी एक मॉलिक्यूल के एक स्ट्रक्चर से अपन सारे उसका प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं कर पाते तो हम उसके लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ राइटिंग दोज मोर देन वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस फिनोमेना एंड दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स, ओपन है लिखे थे, ठीक है। अब रेजोनेंस फिनोमेना में अपन एक बार एक एग्जांपल लेते हैं फिर अपन उसमें करेंगे। एग्जांपल के लिए ना मैंने बेंजीन का एग्जांपल, बेंजीन में ना ऐसे बनाते हैं, ये बेंजीन का फॉर्मूला अपन सबको पता है ऐसे होता है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, बेंजीन ऐसा होता है, सिक्स हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और तीन डबल बॉन्ड्स होते हैं, अपन ने इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो कैलकुलेट किया, अपन को पता है पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं ना तो ऐसे बनेगा, छह कार्बन एटम होंगे, अपन कहेंगे कार्बन के तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन बॉन्ड तो दिख रहे हैं, एक कहां है भाई, एक तो नहीं दिख रहा मुझे भाई, यहां पर तीन बॉन्ड तो बना लिया आपने हर एक कार्बन एटम से, फोर्थ वाला कहां है, तो अपन कहेंगे फोर्थ वाले ने पाई बॉन्ड बनाया, ये कार्बन एटम है, एक दो तीन और चार इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
तो फोर्थ वाले ने पाई बॉन्ड बनाया, इसके भी चार इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन और ये इसके चार इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे अच्छा पाई बॉन्ड, तो अगर दो कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड बनेंगे तो अगर सिग्मा बॉन्ड ऐसे है तो पाई बॉन्ड तो ऐसे बनता है परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। अच्छा इसका मतलब है पाई बॉन्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस मॉलिक्यूलर प्लेन। अपन मैं बोर्ड के प्लेन को इसको मान लेता हूं, भाई बोर्ड का प्लेन है, बेंजीन रिंग का प्लेन है ऐसे, तो ये पाई बॉन्ड जो होंगे ना वो परपेंडिकुलर होंगे ऐसे, जो पाई ऑर्बिटल्स होंगे ना दो एटम के बीच में, अपन ने लिखा था थोड़ी देर पहले, अगर दो कार्बन एटम है तो उन कार्बन एटम के बीच में अगर ये दो बॉन्ड ऐसे बन गए, दो बॉन्ड ऐसे बन गए और एक बॉन्ड ऐसे सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड ऐसे बनाया था अभी, वरने दो कार्बन एटम लेके बनाए थे, तो ये बन गए अपने पास। इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा तभी अपने कहा कि कार्बन के चार बॉन्ड बन गए और बाकी सब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए सब। आप इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं भाई, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, एक जगह नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अपन ऐसे लिख सकते हैं कोई बात नहीं। ये बन गए। अब अपन क्या कहेंगे, अच्छा ये बेंजीन रिंग है जो ऐसे प्लेन में है और ऐसे छह बॉन्ड बनाए आपने, ऐसे पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर दो हमारे कपड़े, क्योंकि जो भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो रिंग से परपेंडिकुलर होंगे। अभी बनाया था आपने, बताया था पाई बॉन्ड जो होता है वो रिंग से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। फिर आपने एक बार मुझे बताया था कि व्हेनेवर द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन दे ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू मिक्स अप, बिकॉज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, आपस में मिक्स जरूर होंगे। ये सारे के सारे छह के छह ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है, अगर एक ही प्लेन में तो अपन कहेंगे ठीक है भाई इनको मिक्स कर देते हैं, अगर इनको मिक्स करूंगा तो ये इससे मिक्स कर देते हैं, एक पाई बॉन्ड बन गया, ये इससे मिक्स करते हैं दो पाई बॉन्ड बन गए, ये इससे मिक्स करता हूं तीन पाई बॉन्ड बन गए। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है आपने ऐसे मिक्स किया, व्हाई नॉट दीज टू मिक्स, इन दोनों को क्यों नहीं मिक्स किया भाई, आपने इन दोनों को ही क्यों मिक्स किया, व्हाई नॉट दिस वन एंड व्हाई नॉट दिस वन, ये आपस में क्यों नहीं मिक्स हुए भाई, वो भी तो एक ही प्लेन में थे ना, सारे के सारे छह ऑर्बिटल एक ही प्लेन में थे। तो अपन ने कहा हाँ मैंने मना थोड़ी किया, आप इसको मिक्स कर लो, आप इनको मिक्स कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो इसका मतलब है जितने ऑर्बिटल एक ही प्लेन में थे वो सारे के सारे ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर सकते हैं, मतलब यहां पर छह ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर सकते हैं, और ये ऑर्बिटल इससे भी मिक्स करने का जितना प्रोबेबिलिटी होगा उतना ही इससे भी मिक्स करने का प्रोबेबिलिटी होगा। अच्छा तो फिर इसका मतलब है मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर को ऐसे बना दूं फिर, क्योंकि अगर सभी ऑर्बिटल का किसी भी तरफ मिक्स करने का टेंडेंसी होगा तो मैं क्या करूंगा, ये पाई बॉन्ड जो होंगे वो इधर नीचे भी मिक्स कर सकते हैं ऐसे और ऊपर भी ऐसे मिक्स कर सकते हैं, कहीं भी मिक्स कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है आप इसको पार्शियल बॉन्ड बना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पाई ऑर्बिटल आप यहां दोनों को मिक्स कर रहे थे, यहां इन दोनों को मिक्स कर रहे थे, यहां इन दोनों को मिक्स कर रहे थे, तो मैं इन दोनों को भी मिक्स कर सकता था, मतलब मैं इसके स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकता था। अगर आपने डबल बॉन्ड यहां लिखा हुआ है तो मेरी मर्जी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डबल, क्यों, क्योंकि जब ये दोनों मिक्स हो सकते हैं तो फिर ये दोनों भी मिक्स हो सकते हैं, लेकिन बनेंगे अल्टरनेट, प्रोबेबिलिटी उधर मिक्स होने की थी तो ऐसे भी मिक्स होंगे, मतलब यहां इन दोनों से मिक्स करके डबल बॉन्ड यहां बनाता तो यहां भी बनता, यहां बनता तो यहां भी बनता, मतलब वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनेगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना तो आप ऐसे बना सकते हो ऐसे भी बना सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। तो ये वाला स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है, ये वाला स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है, और अपन दोनों स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अपन ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे, क्यों, क्योंकि अपन कहेंगे भाई यहां भी बना सकता हूं डबल बॉन्ड, यहां भी बना सकता हूं, तो आप डैश डैश कर दो, और ये इस डैश का मतलब होता है कि आपकी मर्जी, आप अल्टरनेट कहीं भी बना लो, यहां 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 या फिर यहां यहां और यहां, आपकी मर्जी आप वहां बना लेना। तो इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और इनको कहते हैं अपन रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स। अब होता क्या है, ये पाई बॉन्ड ना कंटिन्यूअसली ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है ना, अपन ने कहा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, जितना ज्यादा मिक्सिंग उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक। तो व्हेनेवर द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन दे हैव टेंडेंसी टू मिक्स अप, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, वो अपने आप ही होता है, हमें करने की जरूरत नहीं होती। तो ठीक है भाई, अपन कहेंगे ठीक है, तो फिर हमें कैसे पता चला कि ऐसा मिक्सिंग हो रहा है, तो हमें ऐसे पता चला कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, बट ऑल बॉन्ड्स इन द बेंजीन रिंग
ऑल बॉन्ड्स इन बेंजीन. तो बेंजीन में जितने भी बॉन्ड थे ना वो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो थे ना बेंजीन के, दे आर 1.40 एंगस्ट्रॉम. मतलब ना तो वो, ये जो बेंजीन के रिंग थे वो डबल बॉन्ड से तो छोटे हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड, डबल डबल बॉन्ड से तो मतलब बड़े होंगे और सिंगल बॉन्ड से छोटे होंगे. मतलब ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और पार्शियल डबल बॉन्ड छोटा होगा क्योंकि डबल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से, ये अपन को पता है. तो अब ये जो बॉन्ड लेंथ आ रहा है ये तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे आ सकता है, या तो प्योर डबल बॉन्ड हो या फिर प्योर सिंगल बॉन्ड हो. तो अपन कहेंगे ये तभी पॉसिबल है जब कोई ऑर्बिटल स्टेबल ना हो और वो ऑर्बिटल आपस में मूव करते रहे, तभी पॉसिबल है कि वहां पर पार्शियल बॉन्ड बन जाए. मतलब यहां पर ये ऐसे शिफ्टिंग होता रहेगा, इसका कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग ऐसे होता रहेगा, तो यहां पर जो होगा ना तो प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ पाएगा और ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा. तो उस केस में सारे बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन कार्बन के बेंजीन में क्या आ रहे थे, पार्शियल डबल बॉन्ड. तो जब भी हमने जितने बार भी बेंजीन को आइसोलेट किया, तो आइसोलेट करने के बाद मुझे पता चला कि बेंजीन के जो बॉन्ड्स हैं वो ना तो प्योर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ना ही प्योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. तो हमने कहा यहां पर ये रेजोनेंस फेनोमेना होता है. तो हमें कैसे पता चलता है रेजोनेंस फेनोमेना, हमें पता चलता है कि भाई कोई बॉन्ड ना तो वो प्योर सिंगल बॉन्ड है, ना ही वो प्योर डबल बॉन्ड है, ना ही वो प्योर ट्रिपल बॉन्ड है, वो इन बिटवीन बॉन्ड आ रहा है. इसका मतलब वहां पर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहा है. तो उनको पता चल जाता है कि भाई वहां पर रेजोनेंस फेनोमेना हो रहा है. तो बेंजीन में अपन को इस तरीके से पता चला कि भाई बेंजीन में ये रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स है. अब होता क्या है, बेंजीन के ये दोनों रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना, बेंजीन के ये दोनों रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स में पोजीशन ऑफ एटम वही रहेगा, पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड वही रहेगा, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड इट विल चेंज, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से. और सिर्फ वही ऑर्बिटल मिक्स करेंगे जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे. अब अपन को ये आइडिया है कि ऑर्बिटल का पोजीशन अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन बता सकते हैं वहां मिक्सिंग होगी. तो अपन को पता चल गया, ठीक है भाई एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है. लेकिन आपने तो बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने मान लिया भाई, इसमें क्यों हो रहा है रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स है 1 और 2, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. ये ऑर्बिटल डायग्राम में आपने बताया कि ये पाई बॉन्ड के जो ऑर्बिटल्स थे वो एक ही प्लेन में है इसलिए वहां पर मिक्सिंग हो रही है, इसलिए बेंजीन रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट करेगा. चलो अपन दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं. मैंने दूसरे स्ट्रक्चर में ऐसे ले लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया, कार्बन लिया, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लिया, ये अपन कहेंगे आइसो, दैट इज अ साइनेटाइन है, इसको अपन कहते हैं साइनेटाइन. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 के 7 इस पर नेगेटिव चार्ज लिखा, ये साइनेट आइन लिखा अपन. सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, किसी का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं किया मैंने, सबके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हीं इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए, आपको स्ट्रक्चर पता है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं. अब मैं क्या करूंगा इसमें, अपन को एक बात पता है कि भाई इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, ये तो sp hybridized, ये भी sp hybridized है, मतलब वो लीनियर शेप में होंगे, और लीनियर शेप में होंगे तो अपन भाई ऐसे लिख देंगे फिर कि ऑक्सीजन है, इस पे आपने नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ 1, 2, 3, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला, और एक ये कार्बन है. अब अपन क्या करेंगे इसमें भाई पाई बॉन्ड्स बनेंगे, पाई बॉन्ड अपन ऐसे बना लेते हैं, 2 नाइट्रोजन एक लोन पेयर अपन नाइट्रोजन का ऐसे बना देते हैं, और एक पाई बॉन्ड अपन बना लेते हैं ऐसे, एक मैंने पूरा पाई बॉन्ड बना लिया भाई, दोनों दो पाई बॉन्ड है आपस में 90 डिग्री पे होंगे ये अपन को पता है, एक पाई बॉन्ड मैंने बना दिया वहां. चलो देखते हैं उस पाई बॉन्ड को बनाने का फायदा क्या, अपन क्या बोलेंगे भाई कार्बन नाइट्रोजन में बॉन्ड है. चलो भाई पता चल गया मुझे कि कार्बन नाइट्रोजन में बॉन्ड है, इधर है, अपन ऐसे करते हैं ये कार्बन नाइट्रोजन हो गया, इधर वाला जो ब्लैक वाला हेड जो है वो नाइट्रोजन, ये कार्बन है, इससे एक ऑक्सीजन अटैच है ऐसे, ये ऑक्सीजन अटैच कर लिया मैंने. अब क्या अपन ने एक पाई बॉन्ड ऐसे ले लिया, एक पाई बॉन्ड ऐसे, हाँ बिल्कुल होगा वो स्ट्रेट लाइन में दिख रहा ना, इधर कार्बन इधर नाइट्रोजन इधर पाई बॉन्ड एक ऐसे, और एक पाई बॉन्ड ऐसे भी होगा 90 डिग्री टू ईच अदर ना, अगर किसी कहीं पर दो पाई बॉन्ड है तो एक दूसरे से 90 डिग्री होंगे. तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये जो ऑक्सीजन है ना, इधर पाई बॉन्ड है ये, यहां पर ऐसे
पाई बॉन्ड बना हुआ है। अब ठीक है, अज्यूम कर लेंगे अपन इधर ऐसे पाई बॉन्ड है। इस ऑप्शन से तीन लोन पेयर है। अभी तीन लोन पेयर होंगे तो एक लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड बोलते हो, तो मैं क्या करूंगा, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, तीन है ना, डेडल फॉर्म में रहेंगे। तो एक इधर और एक इधर। अब तीनों में से एक ऑर्बिटल तो इसके प्लेन में रहेगा ना भाई, अगर ये एक इधर है तो इसके प्लेन में थोड़ी हो सकता है, तीनों में से एक ही तो हो सकता है इसके प्लेन में। तो जो ऑर्बिटल इसके प्लेन में होगा वो ऑर्बिटल इससे मिक्सिंग शो करेगा, मतलब जो इसके प्लेन में नहीं है वो कभी मिक्सिंग नहीं कर सकते। नहीं, आपने तो साफ साफ बताया, व्हेनेवर द ऑर्बिटल आर इन द सेम प्लेन दे विल हैव टेंडेंसी टू मिक्स अप, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। इसके तीन लोन पेयर थे और एक सिग्मा बॉन्ड ये बना हुआ है। अगर लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट करूं तो मैं इसको sp3 बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, तो फिर रोटेटेड फॉर्म के फॉर्म ऐसे होना चाहिए। तो तीनों में से एक लोन पेयर इसके प्लेन में होगा तो ये मिक्स करेगा। अगर इससे मिक्स करेगा ये, तो ठीक है भाई, अपन कहेंगे अगर ये मिक्स करेगा तो यहां पर मैं इन दोनों से बना देता हूं पाई बॉन्ड, और इसको ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे, अब अपन क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो अपन क्या करेंगे, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके मैं कार्बन को देने वाला हूं। अब मैं थोड़ा सा उसको वैसे बना देता हूं। अब ऑर्बिटल सेम प्लेन तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है भाई, एक ऑर्बिटल तो सेम प्लेन में होगा, ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन। अब मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं ना कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपन ने पाई बॉन्ड के प्लेन में अज्यूम किया है, और वो पाई बॉन्ड ये है, वो पाई बॉन्ड जिसको अपन प्लेन में अज्यूम कर रहे थे ना, वो पाई बॉन्ड ये है। तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है भाई, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता और कार्बन को देता, क्योंकि ऑर्बिटल सेम प्लेन में है ना, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं और कार्बन को देता हूं, दे दो भाई, ये है, इधर डबल बॉन्ड रहेगा, ये तो लोन पेयर रहेगा। आपके पास इनको तो कुछ नहीं कर रहे ना, इसको तो ऐसे ही रखोगे ना, आप ये कह रहे हो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाँ तो फिर इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, कोई नेगेटिव चार्ज था तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना, तभी तो नेगेटिव था, आपने कहा इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव चार्ज खत्म, इसको दे दिया तो बन कहेंगे ठीक है, इसको दोगे तो मैं इन दोनों से बॉन्ड बना दूंगा, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन थोड़ी रखूंगा इसके पास। तो मैं क्या करूंगा, इससे यहां पर दो इलेक्ट्रॉन से इधर एक बॉन्ड बना रहा हूं। ये ऐसे एरो बताने होते हैं अपन को, जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने यहां पर एरो बताया ना, तो बता रहा हूं कि देखो किस बॉन्ड को कहां शिफ्ट कर रहा हूं। तो टेल ऑफ एरो अपन को रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, हेड की तरफ जाएगा, जहां हेड बनाएंगे वहां बॉन्ड बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से अपन ने बॉन्ड बनाया, और बदले में क्योंकि कार्बन चार से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, इतने बनाओगे अगर ऐसे बनाओगे तो पांच बॉन्ड हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे जैसे ये कार्बन से इधर बॉन्ड बनाएगा अपन, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करते रहे। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो उसमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों हुआ, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें क्या हुआ, इसका एक ऑर्बिटल इसके पाई बॉन्ड के प्लेन में था, तो जब मैंने इससे और इससे बॉन्ड बनाया तो वो पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया। मतलब अब क्या हुआ अपने पास, कि भाई जैसे अपन दो पाई बॉन्ड की बात करें, आप इसको ऐसे अचीव कर लो, भाई मेरे पास कार्बन था, इधर नाइट्रोजन था, इधर डबल बॉन्ड और इधर एक लोन पेयर था, तो ये अपन ने पाई बॉन्ड ऐसे लिखा था ना, पाई बॉन्ड, और इसका ऑर्बिटल एक ऐसे अज्यूम कर लिया जिसमें लोन पेयर था, नेगेटिव चार्ज वाला, बाकी अपन ने नहीं लिखा, बाकी छोड़ देते। तो जब अपन एक इलेक्ट्रॉन इसका इसको देंगे ना, तो जो पाई बॉन्ड पहले से बना हुआ था ना ऐसे, तो अपन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको इसको उस वाले ऑर्बिटल में दे दिया, मतलब इन दोनों ऑर्बिटल को मिक्स किया तो इसका इलेक्ट्रॉन उधर दे दिया, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जो अपन ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन को देने वाला, इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव चार्ज का था, कार्बन को दिया तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन बदले में कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया और नाइट्रोजन को दिया तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, आ गया। अब ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अपन ने लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि अपन को ऑर्बिटल नहीं पता था कि ऑर्बिटल कैसे मिक्स करता है, इसलिए अपन क्या कह रहे थे, भाई कोई एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, उस एटम से अगर दूसरा एटम अटैच दे, उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, तो बता देना उसमें कॉन्जुगेशन है, वो इसलिए ऐसे पढ़ रहे थे, अपन को पता ही नहीं ऑर्बिटल मिक्सिंग होता क्या, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, अब अपन को समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, आप बार बार इतने बार तो बोलते हो, व्हेनेवर द ऑर्बिटल आर इन द सेम प्लेन दे विल हैव टेंडेंसी टू मिक्स अप, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल एक्सोथर्मिक फिनोमेना, मतलब उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, आप सेम प्लेन में ले आओ मिक्स हो जाएंगे। पूरा एक चैप्टर होता है, 1000 pages की बुक, ऑर्बिटल सेम प्लेन में है, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, चलो मान लिया
इन दोनों में से कुछ अलग अलग तो बताओ, चार बॉन्ड उसमें है, चार बॉन्ड इसमें है, स्टेबिलिटी तो डिफरेंट होगी ना, बिल्कुल होगी, स्टेबिलिटी डिफरेंट क्यों नहीं होगी भाई, दोनों में बॉन्ड एक जैसे होंगे, दोनों में आप देखो तो लोन पे फ्री इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, नेगेटिव चार्ज एक जैसा है, वही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, चार्ज भी एक जैसे, बॉन्ड भी एक जैसे, नंबर ऑफ बॉन्ड भी एक जैसे, एटम के पोजीशन भी एक जैसे, सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता, लेकिन अब ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो गए तो अपन क्या कहेंगे भाई, ये तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और इसमें नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, तो एटम के ऑक्टेट दोनों में कंप्लीट है, ऑक्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्टेट दोनों में कंप्लीट है, तो फिर ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी बताऊं, तो अपन कहेंगे देख लो नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, बना दो नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल है, ये स्ट्रक्चर वन है, ये स्ट्रक्चर टू है, अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे होगा, ऑक्सीजन पे, इसलिए अपन क्या कहेंगे वन इज मोर स्टेबल देन टू, ये भाई मैंने स्टेबिलिटी बना दी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर को हटाता हूं। अब अपन कहेंगे ठीक है, मान लिया कि मतलब ऐसे स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी वगैरह होगी, अपन दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, अपन कहेंगे मान लेते हैं मेरे पास मतलब ये मॉलिक्यूल गिवन है, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे एसिटेटाइन या फॉर्मेटाइन ऐसे लिख लेते हैं, ये एसिटेटाइन, ये फॉर्मेटाइन भी ले सकता हूं वो ऐसे, ये फॉर्मेटाइन, यहां पर मैंने CO लिख दिया, वहां पर थोड़ा स्ट्रक्चर जैसे बना दिया, तो अपन कहेंगे ठीक है चलो देखते हैं कैसे, आपने कहा मेरे पास एसिटेटाइन है तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, नेगेटिव चार्ज, अपन क्या कहेंगे ये कार्बन है sp2 hybridized है, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी अपन चेक कर लेंगे ना, स्टेबिलिटी वो पूछ रहे हैं स्टेबिलिटी कैसे चेक किया हमने, इधर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, उधर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, अपन ने बता दिया। अब अपन क्या करेंगे, ये अगर sp2 hybridized है, इसका मतलब आपने लिखा ऐसे है लेकिन मैं इसके स्ट्रक्चर को अज्यूम ऐसे करूंगा, sp2 hybridized मतलब ट्रायंगल प्लेनर, तो मैं क्या करूंगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर ऑर्बिटल, इधर ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल मुझे पता है कहां पर है। अब अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इधर जो आपने बना रखा है ऐसे, भाई आपने एक बॉन्ड ऐसे बना रखा है, एक बॉन्ड इधर CH3 का तो भाई मतलब ही नहीं क्योंकि उधर तो सिंगल बॉन्ड उधर कुछ हो नहीं सकता, इधर ऐसे बना दिया आपने, ठीक है ऐसे बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, पाई बॉन्ड तो इसका ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन क्योंकि sp2 है ट्रायंगुलर प्लेन, तो ये ऐसे होगा पाई बॉन्ड। अब अपन फिर कहेंगे इधर फिर तीन लोन पेयर हैं, तीनों में से एक लोन पेयर ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, जो ये वाला होगा वो इसके पाई बॉन्ड के प्लेन में है ना, ये वाला ऑर्बिटल, तो ये इससे मिक्स करेगा, नेगेटिव चार्ज उधर जाएगा, क्या लिखे अपन, अपन कहेंगे इससे एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कार्बन को देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके अगर कार्बन को दोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव चार्ज खत्म, कार्बन को दिया तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन अपन कहेंगे ये जो पाई बॉन्ड है ना यहाँ पर, अपन तो इस पाई बॉन्ड जैसे जैसे साइमल्टेनियसली अपन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, कार्बन चार से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, वैसे वैसे इसको दे दो, तो इसका मतलब है मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना दू, आप यहां पर ये बोल रहे हैं कि इसका इधर बॉन्ड बनेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे आप यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन दो दोगे, बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूं, तो अपन क्या करेंगे इधर आप ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर डबल बॉन्ड बन गया, ये लो भाई अब इधर पहले से दो इलेक्ट्रॉन दो लोन पेयर तो रहेंगे ना, तो दो लोन पेयर है इधर, ये अपन ने पाई बॉन्ड शिफ्ट कर लिया, ये स्ट्रक्चर बन गया अपने लिए, तो अपन कहेंगे क्या करें, दोनों का स्टेबिलिटी ये वन है और ये टू है, तो ठीक है इसमें स्टेबिलिटी वन और टू की इक्वल होगी, व्हाई इट इज सो, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड वो तो इसमें भी है, इसमें भी है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है तो वो तो इसमें भी है, मतलब दे आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स,
तो दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी होगी, इनमें स्टेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ वन इज इक्वल टू स्टेबिलिटी ऑफ टू, यहां पर कोई स्टेबिलिटी में चेंज नहीं आएगा, क्यों? तो फिर अपन कहेंगे अगर यहां पर अपन जैसे बात करते हैं, ये अलग अलग स्टेबिलिटी थी ना दोनों की, तो अपन यहां ऐसे बोल सकते हैं कि भाई यहां पर कभी सिंगल बॉन्ड है कभी डबल बॉन्ड है, तो क्या बोले, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, तो अपन कहेंगे पार्शियल बॉन्ड बोलो, और यहां कभी ट्रिपल बॉन्ड है और यहां कभी डबल बॉन्ड है, तो क्या बोलो, ट्रिपल बॉन्ड बोलो या डबल बॉन्ड बोलो, तो अपन कहेंगे पार्शियल बॉन्ड बोलो, तो पार्शियल बॉन्ड का मतलब क्या है पहले तो ये बता दो, तो अपन कहेंगे देखो आपने पहले इससे ऐसे लिख लो, ये कभी कभी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, और ये कभी कभी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है ट्रिपल से डबल, तो डबल से सिंगल में नहीं कन्वर्ट होता ना, तो डबल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ट्रिपल से डबल और डबल से फिर ट्रिपल में कन्वर्ट होता है, मतलब बिटवीन हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज कहां पर है, इस पे और इस पे, तो ठीक है यहां भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज लिख दो और यहां भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज लिख दो, ये बताने के लिए कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में डीलोकलाइज होता रहेगा, तो किसी ना किसी पे तो रहेगा ही, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अगर मान लो कॉन्जुगेशन मतलब वहां पर डीलोकलाइज नहीं होता, कुछ बीच में ऐसे आ जाए और फिर अपन लिखें, तो अपन कहेंगे अब थोड़ी डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन तो तब पॉसिबल होता ना जब ये वाला कार्बन इस लोन पेयर वाले एटम से अटैच होता, तो बीच में ये आ गया, अब नहीं होगा डीलोकलाइजेशन। अब डीलोकलाइजेशन क्यों होगा, क्योंकि ये लोन पेयर वाला एटम उससे अटैच होना चाहिए जो पाई बॉन्ड से अटैच हो, तभी तो अपन लास्ट टाइम ऐसे लिख रहे थे सिंपल वे में, दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड और उससे जो एटम अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन अगर बीच में ये होगा तो अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अब ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, और कॉन्जुगेशन सिर्फ या डीलोकलाइजेशन सिर्फ पाई बॉन्ड का होता है, सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन तो फिक्स होते हैं, आपने बताया अभी कि सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन कभी चेंज नहीं होते। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो इसमें क्या करें, तो अपन कहेंगे इसमें ना आप ऐसे करो, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे बना दो, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा CH3CO नेगेटिव, इधर भी लिखूंगा डबल बॉन्ड, तो क्या लिखूं, डबल बॉन्ड लिखूं यहां पर या सिंगल बॉन्ड, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना आपने पार्शियल बॉन्ड बना दो, यहां भी डेल्टा नेगेटिव लिखो और यहां भी डेल्टा नेगेटिव लिखो, अगर दोनों में स्टेबिलिटी का डिफरेंस नहीं है तो एक नेगेटिव चार्ज को आप दो एटम पे डीलोकलाइज कर रहे हैं, मतलब दो एटम पे डिवाइड कर रहे हैं, अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है तो अनइक्विवेलेंट में नहीं लिख सकते, क्योंकि अनइक्विवेलेंट में अपन को पता है कि इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है उसके कंपैरिजन में, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए उसके कंपैरिजन में, लेकिन इधर मैं बता सकता हूं कि यहां पर और यहां पर नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ एक जैसा होगा, क्योंकि जितना स्टेबिलिटी इस पे उतना ही स्टेबिलिटी इस पे, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, क्योंकि दो एटम में एक माइनस चार्ज को आपको डिवाइड करना है। तो अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं कार्बनेटाइन, तो अपन लिखेंगे ठीक है भाई कार्बनेटाइन लिख लो, आप कार्बनेटाइन में क्या करो, अभी आपने बता तो दिया इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो कैसे डीलोकलाइज होता है, तो कार्बनेटाइन में दो नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में से मैं किसी को भी डीलोकलाइज कर देता हूं, अगर ये CH3 होता तो इसका तो डीलोकलाइजेशन आपने बताया ना ऑर्बिटल आर इन द सेम प्लेन, तो इसका बता सकते हैं, तो इसका भी बता सकते हैं, तो एक बार इसको डीलोकलाइज करके अपन ऐसे बना लेते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज बन गया, इधर डबल बॉन्ड बना लिया और इधर नेगेटिव चार्ज, अब जैसे अभी तो बताया आपने ओ नेगेटिव और सी डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, तो ये बताया था आपने, तो इसको कर देता हूं, तो यहां पर अपन ऐसे कर लेते हैं ओ नेगेटिव इधर और इधर डबल बॉन्ड वो बना देता हूं, मतलब मैं यहां भी डबल बॉन्ड बना सकता हूं, यहां भी बना सकता हूं, यहां भी बना सकता हूं, दो नेगेटिव चार्ज को तीन जगह डीलोकलाइज करना है, दो नेगेटिव चार्ज को तीन जगह डीलोकलाइज किया और सारे स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का ही है, तो फिर सारे स्ट्रक्चर अपन को इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बताने होंगे कि इसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो ठीक है भाई अपन कहेंगे आपने ये बता दिया मुझे, अब कोई और स्ट्रक्चर बता दो आप मुझे, तो अपन कहेंगे अच्छा मैं यहां पर जो स्ट्रक्चर आपने बताया तो यहीं पर डीलोकलाइजेशन होगा, यहां कभी नहीं हो सकता ना, नहीं वहां कभी नहीं हो सकता, वहां ऑर्बिटल ही नहीं है,
खाली और सारे सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के बगैर होते ही नहीं डीनुक्लियराइजेशन। अब बात करेंगे अपन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर की बात। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन, बॉन्ड ऑर्डर है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि भाई मैं तो इजीएस्ट वे में लिखूंगा बॉन्ड ऑर्डर होता क्या। अब आपको थोड़ा आइडिया तो है बॉन्ड ऑर्डर मतलब, ये पार्शियल बॉन्ड आप कैलकुलेट करोगे, अगर सिंगल बॉन्ड है कहीं प्योर सिंगल बॉन्ड है तो यहां बॉन्ड ऑर्डर वन, क्योंकि यहां कोई डिलोकलाइजेशन है ही नहीं। जब डिलोकलाइजेशन ही नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर क्यों चेंज करूंगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। अब यहां पर पार्शियल बॉन्ड बन रहा है, अच्छा यहां पर ना तो डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, तो आप बिटवीन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बताओगे, इसको कहते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे जब बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो अपन ऐसे करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हो सकता है थोड़ा बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा ना, सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम वेयर डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस। डीलोकलाइजेशन मतलब ये बॉन्ड ऐसे शिफ्टिंग होता है, इधर हो रहा है इधर नहीं हो रहा है, डीलोकलाइजेशन टेक प्लेस। और डिवाइड कर लूंगा मैं नंबर ऑफ रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स, और रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर कितने कितने बनते हैं, तो अपन कहेंगे जहां जहां डीलोकलाइजेशन है बना दो, जैसे यहां पर था, इधर भी डबल बॉन्ड बना सकता हूं, इधर भी बना सकता हूं, इधर भी बना सकता हूं। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा एसेट ए टाइम, अब एसेट ए टाइम में ना आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए ऐसे, तो आप क्या कहोगे भाई डीलोकलाइजेशन तो इधर ही होता है बस, तो आप क्या कहोगे, आपने हिसाब से बताया तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही हो जाएगा, क्योंकि फिर अपन को वरना उसमें दूसरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, सिग्मा हटा देना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम वेयर डीलोकलाइजेशन टेक प्लेस। क्योंकि हो सकता है मैंने शीट से अलग फॉर्मूला डाल दिया, मैंने इजीएस्ट वे डाला आपको, इससे ज्यादा इजी अपन फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स नॉट सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम वेयर डीलोकलाइजेशन टेक प्लेस। देख भैया डीलोकलाइजेशन इधर और इधर होता है, और सेंट्रल एटम के जहां डीलोकलाइजेशन होता है वहां तीन बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे, उधर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं, इसलिए उसे काउंट नहीं करूंगा। साफ साफ लिखा है आपने नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम वेयर डीलोकलाइजेशन टेक प्लेस, जहां जहां डीलोकलाइजेशन होगा बस वहीं के बॉन्ड काउंट करूंगा, ठीक है। और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार नेगेटिव चार्ज इस पे लिख सकता हूं, एक बार उस पे लिख सकता हूं, दो हो गए मेरा काम खत्म हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3/2 आ गया, बस हो गया मेरा आंसर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3/2, जहां डीलोकलाइजेशन हो रहा था एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, इसको काउंट नहीं करूंगा, वहां थोड़ी डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन। अच्छा मान लिया, चलो कार्बेट में बता दूं, तो अपन कहेंगे ठीक है कार्बेट में देख लो, कार्बेट में कितने सभी जगह हो रहा, तो चार बॉन्ड हो गए, CO3 2 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू कितना आया 4, कितना तीन जगह डीलोकलाइज, तीनों एटम पे जा सकता है, तो तीन जगह डीलोकलाइजेशन ये लो हो गया। अच्छा ठीक है, चलो बेंजीन में बताओ। अच्छा अब बेंजीन में तो बताओगे ना, तो अपन कहेंगे बेंजीन में बताना है, चलो बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखो और फिर बताओ, मैं बता देता हूं बेंजीन में क्या करना है। तो मैं इसको हटाता हूं और बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको, कार्बेट के सारे मतलब स्ट्रक्चर्स का इक्वल स्टेबिलिटी होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है, तो अपन बेंजीन को देख कैसे लिखेंगे, बेंजीन में अपन ने ऐसे लिखा था, अब सभी एटम को थोड़ी लेंगे, एक कोई सेंट्रल एटम ले लेते हैं, ये ले लिया, कितने बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4, अपन कहेंगे उसमें थोड़ी होता है डीलोकलाइजेशन, है ना, उसमें थोड़ी होगा डीलोकलाइजेशन, तो अपन कहेंगे 1 2 3 ऐसे बॉन्ड्स आ गए अपने पास, अब कैलकुलेट कर लो आप तो कितना आ जाएगा अपने पास भाई, इधर भी डीलोकलाइजेशन हो सकता है, इधर मतलब ये पाई बॉन्ड इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, इधर कभी नहीं हो सकता डीलोकलाइजेशन। अब अपन ऐसा मान लो सल्फेट आएगा, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, अपन ने सल्फेटाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ऐसे होता है सल्फेटाइन का स्ट्रक्चर,
आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए कितने बॉन्ड्स हो गए, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है इधर डबल बॉन्ड है, तो जैसे CO लिखा था ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन और डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो इसको इधर डिन्यूक्लियराइज कर लो, तो अपन कहेंगे भाई देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता हूँ उधर भी जा सकता हूँ, तो इसका मतलब है ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड ये पाई बॉन्ड सब जगह डिन्यूक्लियराइजेशन है 1 2 3 4 5 6 ये लो हो गया चारों जगह डिन्यूक्लियराइजेशन हो सकता है 6/4। अच्छा ठीक है, तो अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा SO3 2- तो सल्फेट नेगेटिव लिखा तो SO3 2- लिखने की क्या जरूरत है, चलो CLO3- लिखा, तो CLO3- आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तो आपको पता है जितने नेगेटिव चार्ज होते ऑक्साइड में उतने सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं ऑक्सीजन, बाकी डबल बॉन्ड्स, इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे ना अपन ने बनाए तो है, वो हाइब्रिडाइजेशन में कितने सारे बनाए अपन ने, सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पे लिखो जिसको जितना एटम चाहिए दे दो। अब ये नेगेटिव चार्ज है, अभी कार्बन और ऑक्सीजन में बताया तो था आपने, इसमें ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से इधर अटैच है डिलोकलाइजेशन करो, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो बॉन्ड ऑर्डर बता देता हूं उधर लिख देता हूं कितना है 5/3। ये लो भाई बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर दिया, आपने बॉन्ड ऑर्डर पूछा तो मैंने बता दिया सर। या कोई शेप और ज्योमेट्री नहीं देखनी पहले अपन को, सीधा बता देना है बस क्या शेप या क्या ज्योमेट्री है, बस आप बोलो कुछ बोल रहे थे सर। वो O के फॉर्मूला में आपने सेकंड क्या लिखा है अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स, मान लो अपने पास ऐसे लिखना है, तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए अपन को, तो अपन ने लिखा सल्फर एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज हो गया, एक ऑक्सीजन O और H और एक ऑक्सीजन S इधर। अब अपन क्या कहेंगे भाई डीलोकलाइजेशन तो इसका ही होगा बस, इधर नहीं हो पाएगा उधर नेगेटिव चार्ज थोड़ी, तो क्या लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई 3/ और दो जगह नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज है ना इधर नेगेटिव चार्ज नहीं था इसलिए इसका डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, अगर ऐसे होता तो अपन कह देते भाई आप ऐसे बनाओ SO3 2-, तो अपन कहते हैं सल्फर है 6 valence electron, तो एक ऐसे बना देते हैं एक ऐसे बना देते हैं और एक ऐसे बना देते हैं, ये बन गया अपने पास, तो अपन कहते हैं फिर तो क्या फिर उसमें ये नेगेटिव चार्ज इधर भी डिलोकलाइजेशन हो सकता है और इसका भी इधर से डिलोकलाइजेशन, मतलब सभी डिलोकलाइज कर सकते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 4/3 ये लगाइए। अब आप उससे बॉन्ड ऑर्डर वाले भी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, अब आपको ऑर्बिटल पता देना कि व्हेनेवर द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन दे हैव टेंडेंसी टू मिक्स अप, तो उनको पता चल गया कि अच्छा रेजोनेंस क्या होता है। अब देखो होगा क्या, मैं इसको डालता हूं, पता क्या होगा, मैंने 6 carbon को लिया एक एग्जांपल सॉल्ट और इसमें 3 moles हाइड्रोजन लिया और मैंने ना इससे बेंजीन बनाया, तो जब बेंजीन बनाऊंगा तो सपोज करते हैं अपन कि x किलो जूल से एनर्जी लिबरेट, तो ये एनर्जी लिबरेट कहां से हुई, तो अपन कहेंगे इसमें ना लिबरेट क्यों हुई एनर्जी, क्योंकि इसमें 3 carbon-carbon सिंगल बॉन्ड 3 carbon-carbon डबल बॉन्ड और 6 CH बॉन्ड बने, इसकी वजह से ये एनर्जी लिबरेट हुई, इतने बॉन्ड्स बने तो एनर्जी लिबरेट हुई, बेंजीन का फॉर्मेशन इसे एक्सोथर्मिक। अब अपन क्या कहेंगे, जब हमने बेंजीन को बना लिया ना तो बेंजीन मॉलिक्यूल ऐसे बन गया, ये बेंजीन मॉलिक्यूल, अब क्या हुआ ये बॉन्ड्स बनने के बाद, तो बॉन्ड्स बने तो ये हुआ, अब इसमें मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हुआ, तो यहां पर क्या हुआ कि ये इसमें ना रेजोनेंस फिनोमेना मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हुआ, तो इधर रेजोनेंस फिनोमेना, ये विदाउट रेजोनेंस फिनोमेना था जो मैंने फॉर्मेशन किया,
अब रेजोनेंस फिनोमेना हुआ, तो अपन ने लिखा भाई देखो रेजोनेंस फिनोमेना से तो मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऐसे हो गए, तो अपन पता क्या बोले, इस स्टेप में इतना एनर्जी और लिबरेट हुआ। इतना एनर्जी और लिबरेट हुआ तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी हुई? द एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेटेड ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड रेजोनेंस। मतलब अगर मेरे पास ये वाला बेंजीन है, मेरे पास बेंजीन मॉलिक्यूल है ना, जब उसको आपको ब्रेक करने होंगे ना सारे बॉन्ड्स, तो पहले उसको 36 किलो जूल एनर्जी दो, सॉरी पहले उसको 36 किलो कैलोरीज एनर्जी दो, ताकि उसका मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल वाला पार्ट ब्रेक हो जाए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ब्रेक हो जाए। मतलब जो एक्स्ट्रा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल एक ही प्लेन में आ गए तो उनमें मिक्सिंग हो गई, मिक्सिंग हो गई तो एक्सोथर्मिक फिनोमेना हो गया। तो पहले इतनी एनर्जी दो ताकि वो ऐसे बन जाए। अब जो एनर्जी इन बॉन्ड को रिक्वायर्ड होगा ब्रेक करने में, वो ये एनर्जी होगी। मतलब अगर मुझे बेंजीन के सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो अपन कहेंगे पहले ये बताओ कि मतलब विदाउट रेजोनेंस है या रेजोनेंस के साथ है। वैसे अपन ऐसा पूछ नहीं सकते, क्यों? बेंजीन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें रेजोनेंस के साथ ही होगा। मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है उसके साथ साथ इतना एनर्जी और देना पड़ेगा, तभी बेंजीन के सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे। व्हाट इज सो? क्योंकि इतना एनर्जी तो आप उसके रेजोनेंस फिनोमेना को ब्रेक करने के लिए दोगे। तो अगर आपने कोई मॉलिक्यूल बनाया और उसमें रेजोनेंस फिनोमेना हो सकता है तो उस मॉलिक्यूल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी ड्यू टू रेजोनेंस फिनोमेना, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। द एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेटेड ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम प्लेन इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, दैट इज रेजोनेंस। तो इसको कहते हैं अपन रेजोनेंस एनर्जी। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं द एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट एनर्जी लिबरेटेड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे, अब एक बार अपन एक काम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो बॉन्ड एनर्जी वाले, राइट ना? अब आप एक बार देखो, आप ना एक्सरसाइज वन का पार्ट वन निकालो, एक्सरसाइज वन का पार्ट वन निकालो और देखते हैं अपन वो सेक्शन सी वाला पार्ट जो है ना, जिसमें आप मतलब बता रहे थे कि भाई कैसे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है, बताओ। तो एक्सरसाइज वन के पार्ट वन में सी सेक्शन की बात करते हैं अपन। Write the resonating structures of bond. मेरे ख्याल से सारे ड्रॉ कर दिए मैंने, आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। HCO3 भी बता दिया मैंने, PO4 3 नेगेटिव था, बस तो PO4 3 नेगेटिव बताएंगे ना, PO4 3 नेगेटिव है तो अपन क्या करेंगे, PO4 3 नेगेटिव में ऐसे बता, PO4 3 नेगेटिव में जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं ऑप्शन सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज से हटा दो, लो भाई ये तो अपने इसके चार बॉन्ड बना देंगे। क्यों? क्योंकि एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड इधर और एक बार डबल बॉन्ड इधर। जब डबल बॉन्ड इधर है तो इन तीनों पर नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड इधर लिखूंगा तो इन तीनों पर नेगेटिव चार्ज लिखूंगा, लाइक दैट वी हैव फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो एरो ऐसे लगाना, इस एरो का मतलब है कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, वो ऐसे होते होंगे, क्योंकि अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आइसोलेट नहीं कर सकते, अपन सिर्फ हाइब्रिड को आइसोलेट कर सकते हैं, यही आपका रियल स्ट्रक्चर होता है, बाकी सब तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है, मैंने आपको सिखाया कि ऑक्सी एनायन्स का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करता है, तो मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं कि ऑक्सी एनायन के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। दूसरा उसमें था सी टू वाला पार्ट, हाउ मेनी एनओ बॉन्ड लेंथ्स आर प्रेजेंट इन एच एन ओ थ्री। ठीक है भाई, एच एन ओ थ्री है तो स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ, कितने बता दें? तो अपन कहेंगे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है,
तो अपन ऐसे बना सकते हैं इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप ऐसे लिख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव, जहां हेड होता है वहां नेगेटिव, जहां टेल होता है वहां पॉजिटिव। अब अभी बताया तो था आपने ऐसे डिलोकलाइज करते हैं, तो इधर तो रेजोनेंस बना बना है, इधर नहीं आ सकता क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड नहीं है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो एक ये बॉन्ड हो जाएगा और ये दोनों तो रेजोनेंस हाइब्रिड में जाएंगे, तो दो टाइप के बॉन्ड हो गए, एक ये वाला सिंगल बॉन्ड हो गया और इसको आप ऐसे बनाओगे। ये लो भाई हो गया, राइट, आप HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे। भाई आप क्या करोगे, एसिड का स्ट्रक्चर बनाना बताया मैंने आपको कैसे बनाना होता है, आप प्रोटॉन को हटा दो, पहले ऐसे लिखो, मतलब एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, दो ऑक्सीजन ऐसे अटैच है, नाइट्रोजन के ई इलेक्ट्रॉन से, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो अपन ने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ये अपन को पता है। इस पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक था इसमें, जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है वहां हाइड्रोजन होता है, अगर एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैंने बना दिया। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना उसको अपन फॉर्मल चार्जेस में लिख सकते हैं, फॉर्मल चार्जेस का पढ़ाई अपन ने इसलिए है कि आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो फॉर्मल चार्जेस में लिखना, ताकि अपन डिलोकलाइजेशन बता पाए, अपन ये डिलोकलाइजेशन तो बता सकते हैं, अपन ये डिलोकलाइजेशन तो बता सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में डिलोकलाइजेशन नहीं है, इधर कोई डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो अपन कहेंगे भाई इधर ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाए ना आपने, तो अपन डबल बॉन्ड ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, तो कितने टाइप के डबल बॉन्ड हो गए, दो टाइप के, कितने टाइप के बॉन्ड हो गए, दो टाइप के, एक टाइप का ये बॉन्ड है और इन दोनों में, क्योंकि दोनों में नेगेटिव चार्ज कहां पर है, ऑक्सीजन पे, तो इन दोनों में जो बॉन्ड बनेंगे ना वो इक्वल बॉन्ड्स बनेंगे, ये इक्वल स्ट्रक्चर्स हो गए ना दोनों तरफ, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड लिखो तो इधर नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड लिखो तो इधर नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों ही बॉन्ड एडजस्ट है, पर स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे अपन, इसको डैश 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 बना के और बता देंगे क्या, कोई डाउट है तो बताओ, फिर से बताता हूं। फिर एक NO3 नेगेटिव था, हाँ तो NO3 नेगेटिव होगा तो फिर भाई फिर तो डिफरेंट हो गया, फिर NO3 नेगेटिव लिखोगे तो फिर मैं ऐसे लिख दूंगा, फिर तो आप इसको भी ऐसे लिखने आ गया। अब NO3 नेगेटिव होगा तो मतलब फिर तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गया ना भाई, एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड इधर, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस पे भी है, नेगेटिव चार्जेस पे भी है, तो इसके तीन स्ट्रक्चर बना दूंगा फिर तो, एक डबल बॉन्ड ऐसे, एक नेगेटिव चार्ज इधर, एक नेगेटिव चार्ज इधर, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक बार क्या करेंगे अपन, इससे इधर बना के इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसे बन जाए, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज बन गया, डबल बॉन्ड हो, एक बार इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज बन गया और डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर, ये नाइट्रेट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब बताओ तो अपन कहेंगे भाई अब C3 की बात कर लेते हैं, CO bond length in CO bond length in formic acid, formic acid तो अभी लिखा था अपने, भाई अपने formic acid ये था ना, formic acid जैसे astatine लिखा था, तो formic acid is this, C3 की बात कर रहे हैं, तो formic acid तो ये होता है, अभी बताया तो था, तो ये बोलो bond length तो equal होते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, explain the following, CO bond length in formic acid is 1.23, मतलब पहले ये कह रहा है कि ये वाला बॉन्ड लेंथ जो था ये 1.23 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट था, और ये वाला जो बॉन्ड लेंथ था ये 1.36 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बता रहे ना, फिर ये कह रहा है एंड बोथ सीओ बॉन्ड लेंथ इन सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड होगा तो ऐसे होगा, ये सोडियम फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मिक एसिड होगा, अब इधर नेगेटिव चार्ज नहीं है ना तो अलग अलग बॉन्ड लेता है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं सोडियम फॉर्मेट लिखता हूं तो सोडियम फॉर्मेट इज दस, क्योंकि ये तो आयनिक बॉन्ड है, अब डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, ये लो भाई सोडियम फॉर्मेट में तो ये डीलोकलाइजेशन होगा, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ, तो ये दोनों बॉन्ड लेंथ तो इक्वल होंगे बॉन्ड लेंथ, लेकिन इधर नेगेटिव चार्ज थोड़ी था तो अलग अलग बॉन्ड लेंथ हो गए, तो वो कह रहा है कि फॉर्मिक एसिड में अलग अलग होते हैं और सोडियम फॉर्मेट में एक जैसे होते हैं, लिखे सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ
कोई डाउट है तो, किसी पार्ट में अगर कोई डाउट है या फिर से बताना है मुझे तो आप मुझे बता दो, मैं उसको और बता देता हूं। अगर आपको लगता है कि किसी पार्ट में आपको डाउट है तो मैं फिर से बता दूंगा। सर वो सी3 वाला मॉडल बताइए ना। कौन सा? सी3। अच्छा सी3 वाला। देखना वो क्या बोल रहा है कि भाई फॉर्मिक एसिड लिखो पहले, वो बंद कर रहा है कि पहले आप फॉर्मिक एसिड लिखो। ये अपने पास फॉर्मिक एसिड है, दिस इज फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर तो ऐसे है, अब डबल बॉन्ड तो है लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो अपन कहेंगे फिर कॉन्जुगेशन कैसे होगा। तो दो टाइप के बॉन्ड होंगे, एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो कि 1.23 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, वो छोटा होगा ना, और ये सिंगल बॉन्ड जैसे होगा तो ये हो जाएगा 1.36 एंगस्ट्रॉम यूनिट। लेकिन कह रहा है कि अगर मैं सोडियम फॉर्मेट लिखूं, सोडियम फॉर्मेट लिखूंगा तो फिर तो ऐसे हो जाएगा ना, सोडियम फॉर्मेट तो ऐसे हो जाएगा ना। भाई अपन को पता है ना HCl और NaCl दोनों में डिफरेंस है, यहां पर Cl फ्री है, वहां पर Cl फ्री नहीं है, यहां आयनिक बॉन्ड है, वहां कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहां पर ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है तो सोडियम यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो यह डीलोकलाइज होगा। अगर यह डीलोकलाइज होगा तो अपन ऐसे लिखेंगे, तो अपन कहेंगे अगर ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज तो डीलोकलाइज होता रहेगा, फिर इस इधर आ जाएगा ये, तो अपन कहेंगे फिर तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे तो इन दोनों में बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा। एरोस का मतलब है कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कर रहे हैं, मैंने पहले बताया, ये वाले एरोस का मतलब वो नहीं, ये तो मैंने बॉन्ड लेंथ बताया, इन एरोस का कोई मतलब नहीं है, वो एरोस जो बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं उनका मतलब होता है बस। इन एरोस का क्या मतलब होगा, उनका एरोस का तो ये मतलब है कि ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ। इन एरोस में अपन को पता रहता है कि आप इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां शिफ्ट कर रहे हैं और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे यहां पर था ये वाले इलेक्ट्रॉन जो थे इनको आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से यहां बॉन्ड बनाने वाले, तो बना दिया, तो फिर यहां वाले बॉन्ड तो बनने का यहां वाले बॉन्ड को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसका ही था, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया आपने तो दे दिया, उससे नेगेटिव चार्ज बना दिया, तो एरोस का वो मतलब होगा। पार्ट टू में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो बताऊंगा मैं, एक तो फॉर्मिक एसिड वाला ही है उसमें बताने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब अगर इधर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो इधर पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो इधर, लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा तो अपन कहेंगे यहां तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड लेंथ पार्शियल डबल बॉन्ड है, वो छोटा होगा, और ये दोनों बॉन्ड है इसका फॉर्मिक एसिड ना अगर ऐसे के बने तो अपन इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, तो इधर डेल्टा नेगेटिव इधर डेल्टा नेगेटिव, तो ये वाले बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे, ये अलग होगा, ये सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो बड़ा ही होता है डबल बॉन्ड से। फिर अपन को पूछा था कि बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर बताओ, वो तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अपन से पूछा था वीकेस्ट बॉन्ड इन कार्बन ऑक्सीजन, हाँ ये अपन बता सकते हैं, अपन से पूछा वीकेस्ट बॉन्ड इन कार्बन ऑक्सीजन, तो अपन एक बार देखते हैं वीकेस्ट बॉन्ड इन कार्बन ऑक्सीजन, बाकी और भी एक और मॉलिक्यूल गिवन था वो बड़ा अपन देख लेंगे, बट पहले अपन देखते हैं वीकेस्ट बॉन्ड इन का, एक मॉलिक्यूल ऐसे गिवन था वो C1, इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताओ IO6 5 नेगेटिव, ठीक है अपन को क्या फर्क पड़ेगा, अपन लिखेंगे आई होता है 1 2 3 4 5 6 7 6 है ना, और 5 नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड 6, ठीक है कितने बॉन्ड्स हो गए इसके राउंड 1 2 3 4 5 6 7, कितनी जगह डिलोकलाइजेशन है 5 जगह, 1 2 3 4 5 6, लो भाई हो गया बॉन्ड ऑर्डर C1। अब इसमें C4 लिखा था कि इसमें अपन को बताना था वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, ओके तो मतलब जिसमें अपन देख लेते हैं जैसे CO2 है CH3CO नेगेटिव है, CO है और CO3 2 नेगेटिव है, अपन क्या करेंगे ना वीकेस्ट बॉन्ड के लिए
पहले तो इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, है देखते हैं कैसे बनता है। ये तो इजी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अपन कहेंगे देखो भाई इसमें तो प्योर डबल बॉन्ड है, इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं, बॉन्ड ऑर्डर टू, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ही रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर टू। इधर चेक करते हैं, अभी आपने बताया था इधर नेगेटिव चार्ज तो डीलोकलाइजेशन होगा, तो इधर ही पार्ट में डीलोकलाइजेशन होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आया मेरे पास 3/2 ना 1.5। अब बताओ मैं क्या कहूंगा, ये वाला बॉन्ड वीक है इससे, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर से बता रहे। राइट, इसमें कार्बन मोनोक्साइड, ये तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर ही 3 आने वाला है, कोई रेजोनेंस बनाना होता ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड होता है ये आपको पता है। कार्बोनेटाइन, कार्बोनेटाइन तो आपने बना के दिखाया था, कार्बोनेटाइन में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू कितना 4/3, 4/3 का मतलब हो गया 1.33, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इसमें है, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओके, ये वीकेस्ट बॉन्ड है, उसके बाद ये, फिर ये और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अपन से पूछ रहे हैं भाई आईओ क्या था, 6 था ना, इसमें 5 नेगेटिव में, आपने आई में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वो कह रहा है कि आपने 5 ये इसके इसमें क्यों नहीं ऐड कर दिया, नहीं तो ऑक्साइड में आपने बताया तो है, जितने नेगेटिव चार्ज उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से डाल दो, 7 तो पहले से है, अगर और 5 ऐड कर दूंगा तो ऑक्टेट इतना बड़ा रखूंगा कहां, इसलिए बनने वैसे ये आपका क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से तुमने सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने उसके, है ना, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वगैरह सब आपको पता है, तो अपन को रेजोनेंस फिनोमेना में ना अभी अपन को इतना ही पढ़ना है, और मैंने आपको बता दिया कि रेजोनेंस फिनोमेना में क्या कैसे पूछेगा, ठीक है। अभी देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अपन को रेजोनेंस फिनोमेना भी समझ में आ गया, लेकिन मैक्सिमम मैंने आपको रेजोनेंस फिनोमेना का 3-5% पार्ट ही बताया, और अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, रेजोनेंस और नहीं केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत पढ़ना होता है, एक तो बेकार क्वेश्चन हो जाएंगे जो अपन वो पढ़ेंगे, और भी केमिस्ट्री वाला पढ़ा, लेकिन कोटा में उसी बस शुरू कर देते हैं, इसलिए उन्होंने रेजोनेंस डाल दिया होगा अपना, और नहीं केमिस्ट्री में ही पढ़ा जाता है, बट ठीक है, वी हैव डन इट, वी नो दैट, ठीक है। तो आप क्या करना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना वापस, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है आपको रेजोनेंस बनाना है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट क्लास में आप एक बार फिर से रिवाइज करना और फिर चेक कर लेना, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ लो कि सर आप एक बार और बता दो, कोई डाउट नहीं, ये आपको समझ में आना चाहिए बस, तो आप डाउट पूछ लेना कि मैंने आपने जो पढ़ाया था मैंने ये समझा, और अब बताओ मतलब मेरा क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो क्या गलत है, मैंने क्या वैसे किया, तो थोड़ा और स्लो बता दूं, मुझे लगा लेट अस कंप्लीट द मतलब रेजोनेंस फिनोमेना इन दिस क्लास, तो आपको अगर लगता है फिर भी, क्योंकि अपन ने काफी मतलब डिस्कस कर लिया, सारे क्वेश्चन बता दिया, फिर भी आपको लगता है तो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में फिर कर लेंगे, मैं आपको फिर बता दूं, ठीक है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, चलो बाय, थैंक यू, बाय बेटा, बाय।